बिहार में अब ठंड ने एंट्री मार ली है। लोगों को सुबह और शाम के वक्त अच्छे खासे ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि दोपहर के वक्त धूप निकल जाने के कारण लोगों को राहत भी मिल रही है। इस बीच सुबह सुबह लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में ठंड और बढ़ेगी। इसके साथ ही नवंबर के आखिरी हफ्ते में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। बता दें कि रात के तापमान में पहले से ही गिरावट दर्ज की जा रही थी, अब दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वही राजधानी पटना स्थित मौसम विभाग केंद्र की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस वजह से नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में ठंड और बढ़ेगी। पिछले कई दिनों से रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही थी, तो वहीं अब दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इधर बिहार में रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। इसके अलावे बता दें कि सूबे की हवा भी अब खराब होती जा रही है। ठंड के साथ साथ बिहार के कई जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक कटिहार, हाजीपुर, किशनगंज और बक्सर में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरे के निशान के ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं ऐसी स्थिति को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड की शुरुआत में ही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ना चिंता का विषय है। उधर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को कटिहार का AQI 380, किशनगंज का 330, हाजीपुर का 349 और बक्सर का 329 दर्ज किया गया। साथ ही पटना IMD के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ समुद्र तल से करीब 3.8 किलोमीटर ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में मौजूद है। इसके प्रभाव से 26 नवंबर से आने वाले कुछ दिनों तक आसमान में आंशिक बादल दिख सकते हैं। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह में घनघोर कुहासा और शाम में कनकनी से लोग परेशान होंगे। इस तरह से देखा जाए तो जल्द ही हाड़ कपाने वाली ठंड का भी सामना करना पड़ेगा।